बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आलू कलेजी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑयल है, इसमें प्याज डालेंगे, फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज हो गई है लाल और अब इसमें हम हाफ के जी कलेजी ऐड करेंगे। दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें जो अदरक लहसुन की जो स्मेल है खत्म हो गई है, करेजी की स्मेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इसमें जरा हम हरी मिर्च ऐड करेंगे कटे हुए और टमाटर दो मीडियम साइज के। इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें अपने हिसाब से, जितना आपको रखना है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। साथ में हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। साथ में दो खाने का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। यहाँ थोड़ा सा पानी देके भूनेंगे और साथ में इसी के साथ इसमें हम आलू ऐड करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे आलू के साथ। देखिए, अच्छी तरीके से इसको मैंने भूना है। इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जितना आपको टेस्ट में रखना है नमक। साथ में एक कप दही। अब इसकी और भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से भुनाई होगी, ये कलर आप देख सकते हैं, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम गलाएंगे आलू को, और कलेजी जल्दी गलती है, आलू लेट, तो इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसको हम गलने के लिए रख देते हैं। निकाल दे कलेजी। यहाँ गल चुका है और इसमें गर्म मसाला एक खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी। साथ में ये साबुत जो है वो हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, हम डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, आलू कलेजी, जो कि बहुत मज़े की है, इसी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी। बस नहीं तो कमेंट सेशन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट अपनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।